अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग बिग बॉस तो देखते होंगे। वो सीरियल नहीं आता बिग बॉस, जिसमें लोग कुछ घर में खेलने जाते हैं, उसका नया सीजन भी चल रहा है। बिग बॉस में साथ दिखते दिखते, साथ खेलते खेलते कौन कब किसको धोखा दे रहा है यही पता नहीं चलता। लेकिन जैसा बिग बॉस में होता है वैसा ही इंडी गठबंधन में भी चल रहा है। इंडी गठबंधन वालों का हाल भी बिग बॉस जैसा हो रखा, वहां एक इंटरनल बिग बॉस चल रहा है, क्योंकि यहां ऊपर ऊपर से तो सब एक दूसरे के साथ दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को काटते रहते हैं कि कैसे इसको घर से बाहर करें। कैसे केजरीवाल ने बिग बॉस वाला दाव खेला, राहुल गांधी के साथ गेम कर दिया क्या, आज इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, एक महीने से ज्यादा हो चुका है और सभी पार्टियां अपने प्रदर्शन की समीक्षा कर रही और समीक्षा की रिपोर्ट भी आने लगी है। यूपी से लेकर दिल्ली तक और बीजेपी से लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी तक सभी अपने अपने प्रदर्शन पर मंथन कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। यूपी के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा कि वहां बीजेपी के साथ किसके खेला किया, कौन विलेन था। लेकिन पहले दिल्ली का हाल सुनिए जरा, इंडी गठबंधन में कैसे बिग बॉस वाला खेल हो रहा है ये सुनिए जरा। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर इंडी गठबंधन के झंडे तले बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ा और पंजाब में लड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली में बोले नहीं ना, हम साथ हैं, हम दोस्त हैं। नतीजा आया, कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ी, अंडा मिला। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ी, लड्डू मिला। कांग्रेस ने हार की वजहों का पता लगाने के लिए कमेटी बनाई। कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट्स ने अपनी रिपोर्ट कमेटी को दी। रिपोर्ट बड़ी हंगामेदार है क्योंकि इस रिपोर्ट में इंडी गठबंधन की इंटरनल लड़ाई, डर, इनसिक्योरिटी सब दिख रहा है और इसी वजह से दिल्ली में 7 सीटों पर ये हार गए। इस रिपोर्ट के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिल्ली में केजरीवाल और राहुल ने एक दूसरे की ही गाड़ी पंचर कर दी? साथ लड़ने के बाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से डर रहे थे कि हम ये एक दूसरे को ही ना खा जाएं। चुनाव लोकसभा का था, दिमाग में विधानसभा का गणित चल रहा था क्या? आम आदमी पार्टी ने अपना वोट कांग्रेस को जाने से जानबूझकर रोक दिया क्या? कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों ने कांग्रेस हाईकमान को जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो आप भी कहेंगे कि गजब ही गठबंधन है बॉस। भाई बंगाल में तो ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट लड़ ही रहे थे, वो तो दिख रहा था। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, दिख ही रहा था। दिल्ली में दोस्ती दोस्ती बोल के बताइए नीचे से जमीन खींच दी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि एक दूसरे को ही हरा रहे थे, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तो कर लिया लेकिन दोनों के अंदर ही अंदर यह डर था कि विधानसभा चुनाव होंगे तो कहीं हम एक दूसरे को ही ना खा जाए, जो अगले कुछ महीनों में दिल्ली में होने वाला है। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। दिल्ली में कांग्रेस अगर एक भी सीट जीत जाती तो विधानसभा में कांग्रेस के चांसेस बढ़ जाते। आम आदमी पार्टी नहीं चाहेगी कि विधानसभा में कांग्रेस को बढ़त मिले। आम आदमी पार्टी को डर था कि वोट कांग्रेस को चला जाता तो फिर वापस ही नहीं आता। ये सारी बातें कांग्रेस के उम्मीदवार कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार खुल के कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने हरवा दिया हमको। उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस के कैंडिडेट उदित राज को सुनिए, फिर आपको कांग्रेस के दो और उम्मीदवार क्या कह रहे हैं वो भी बताऊंगा। और इस रिपोर्ट में कैसे कांग्रेस खुद कह रही है कि केजरीवाल ने बिग बॉस वाला खेला कर दिया वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले उदित राज को सुनिए। आम आदमी पार्टी अपने काउंसलर, अपने एमएलए को अपने क्षेत्रों में लगा दिया था, वो अपने क्षेत्र में थे नहीं, लेकिन लास्ट में एमएलए ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि अगर हाथ पर आम आदमी पार्टी का वोट चढ़ गया तो उतरेगा नहीं, फिर झाड़ू पर जाएगा नहीं, 10 ही महीने में चुनाव है विधानसभा। तो एमएलए ने जो आम आदमी पार्टी एमएलए ने न पार्टी का ध्यान रखा न इंडिया गठबंधन का, उनकी निजी जो इनसिक्योरिटी थी उसके वजह से उन्होंने वोट नहीं करने दिया कि अगर जीत जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगी तो इसके दावा बढ़ जाएगा। अब उदित राज के दावे में कितना दम है नहीं है ये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जाने, लेकिन अगर उनके दावे में दम माने तो क्या केजरीवाल को इस बात की पॉलिटिकल समझ नहीं थी, खड़गे साहब को इस बात की पॉलिटिकल समझ नहीं थी कि भाई एक दूसरे को वोट पड़वाया तो कल को एक ही दूसरे को खा जाएंगे, हम गठबंधन क्यों किया फिर दिल्ली में? और केजरीवाल की पार्टी में विधायक इतने बड़े हो गए कि भाई अपनी मर्जी से केजरीवाल के कहने के बाद भी हरवा दिया, ऐसा हो सकता है क्या कि अपनी मर्जी से हरवा दें और केजरीवाल कुछ भी कहते रह जाएं? उदित राज हालांकि सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के विधायकों पर आरोप लगा रहे। उदित राज के अलावा कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा था और जेपी अग्रवाल चांदनी चौक से उम्मीदवार।
इन दोनों ने भी कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम को अपनी रिपोर्ट दी। सूत्रों के हवाले से दोनों ही उम्मीदवारों ने कहा है कि दिल्ली में 3 सीटों पर हार के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने हरवा दिया, कह रहे हैं ये लोग। चुनाव में आम आदमी पार्टी से उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को जनता ने नकार दिया। आपके नेताओं के साथ कांग्रेस के कैंडिडेट दिखे, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता घर बैठ गया। तो बॉस, ये तो पहले ना सोचना चाहिए था कि एक वक्त में यही कांग्रेस शराब घोटाला हुआ चिल्लाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और दूसरे दिन मन करेगा तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेगी। तो कार्यकर्ता और वोटर क्या सोचेगा? ये पहले नहीं सोचे? यानी कांग्रेस को जो उम्मीद थी वैसा सपोर्ट आम आदमी पार्टी से नहीं मिला। अगर आम आदमी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्यों चाहेंगे कि दिल्ली में कांग्रेस आगे बढ़े? क्योंकि गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। और सच्चाई यह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो दिल्ली में वोट था वही ज्यादातर खाकर जो है वो इतनी बड़ी हुई। तो वो कांग्रेस को वोट क्यों लौटाएगी कि ले जाओ तुम मेरे घर से ले जाओ, मैं तो तुम्हारा लाया था। ये तो पहले कांग्रेस को सोचना था। ये सब सोचेंगे ही नहीं और 99 सीट आने में तड़ वाला डांस करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के पास कोई सीट ही नहीं। दिल्ली की 7 सीटों पर इंडी गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। किस सीट से कौन लड़ा था और हार का मार्जिन क्या था, जरा वो भी देखिए। दक्षिणी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान लड़े और 1,24,333 वोट से हारे। चांदनी चौक से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल लड़े, 89,325 वोट से हार गए। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार लड़े, 93,000 वोट से हार गए। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती लड़े, 78,370 वोट से हार गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के कन्हैया कुमार लड़े और 1,38,000 वोट से हार गए। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के उदित राज लड़े और 2,90,000 वोट से हार गए। पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा लड़े और करीब 2,00,000 वोट से हारे। यानी सबसे करारी हार उदित राज की ही हुई। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी पूछे कि अच्छा हमने तो कांग्रेस को वोट नहीं ट्रांसफर किया, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, आम आदमी पार्टी क्यों हारी? भाई, 7 सीटों पर हार के बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बता रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम पर उंगली उठाने वालों की 3 उंगलियां खुद उनकी तरफ उठती हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे को सुनिए, फिर बताऊंगा कि क्या दिल्ली में कुछ कांग्रेस नेता ही नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को जीत मिले और कांग्रेस में भीतरघात हुआ क्या। लेकिन पहले दिलीप पांडे को सुनिए। हम जब किसी और की तरफ 1 उंगली करते हैं तो कायत नहीं कि 3 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने की वजह सिर्फ इतना कहूंगा कि हम वफा करते रहे, वो जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज था, दोनों अदा करते रहे। थैंक यू। यानी आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। और कुछ इसी तरह की बात उदित राज भी कह रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस कैंडिडेट रहे उदित राज ने कहा कि कांग्रेस के ही कुछ नेता हैं जो उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, मतलब कांग्रेस में भीतरघात हुआ। अब यही बात हम कह रहे हैं कि 99 सीट पर खुशी के मारे नाचने के बजाय ये सब देखना चाहिए। तो इको सिस्टम लगा हुआ है कि जय 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 गजब गजब राहुल जी गजब कर दिए। सुनिए उदित राज को, अगर वो सही कह रहे हैं तो दिल्ली में कांग्रेस के लिए बड़ा संकट है। ये सुनिए, फिर आपको बताऊंगा दिल्ली में केजरीवाल कैसे कांग्रेस की कीमत पर बढ़ते चले गए। आंतरिक रूप से लगातार 2 महीने से मेरे खिलाफ व्यक्तिगत तौर से उत्तर पश्चिम में कुछ लोग हैं जो कि एक डिसिप्लिन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लिख करके दे दिया है, ब्राह्मण विरोधी और जाट विरोधी, अपने ही लोगों ने कंपेन चलाया सोशल मीडिया, बीजेपी ने नहीं चला, और कहा मैं बाहरी हूँ। मैं बार बार कहता ही रह गया कि उनके खिलाफ एक्शन लो तो नहीं लिया गया। एक दूसरी बात है, यह है कि अब चुनाव बीतने के बाद उन्हीं के हाथ में फिर से संगठन की कमान आ गई, तो जो चुनाव हराए वही संगठन को बाद में चलाए। दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच सिर्फ फुटव्वल इसलिए मची है क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल अगर सत्ता में आए और केजरीवाल मजबूत हुए थे तो वो कांग्रेस की कीमत पर हुए थे। क्योंकि आप देखिए, 2013 में पहली बार केजरीवाल चुनाव में उतरे और उससे पहले दिल्ली कांग्रेस का गढ़ था। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 43 सीटें मिली थी और वोट शेयर करीब 40% था।
लेकिन 2013 में केजरीवाल ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिली और वोट शेयर घटकर 25% से भी कम हो गया। फिर 2015 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सीटें घटकर 0 हो गई और वोट शेयर 10% से नीचे चला गया। 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस को दिल्ली में 0 सीटें आई और वोट शेयर इस बार 5% से नीचे चला गया। यानी आप खुद देखिए कि दिल्ली में केजरीवाल की एंट्री के बाद कांग्रेस का वोट शेयर 40% से घटते घटते 5% पे आ गया और इसका सीधा फायदा केजरीवाल को मिला, क्योंकि 2013 के चुनाव में केजरीवाल को करीब 30% वोट मिला, 2015 के चुनाव में यह बढ़कर 54% हुआ और 2020 के चुनाव में 53%। यानी केजरीवाल का वोट बढ़ता गया और कांग्रेस का वोट घटते घटते 5% पे आ गया। अब केजरीवाल किसी भी कीमत पर नहीं चाहते होंगे कि कांग्रेस दिल्ली में मजबूत हो, क्योंकि अगर कांग्रेस दिल्ली में मजबूत हुई तो वो केजरीवाल का नुकसान करेगी। इसलिए कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ खेल कर दिया। लेकिन ये तो पहले कांग्रेस को समझना चाहिए था कि भैया आप क्या गठबंधन कर रहे हो, वो आदमी क्यों देगा आपको आपके अकाउंट, अपने अकाउंट से पैसा निकाल के, जब वो सारा पैसा आपके अकाउंट से लेकर आया है। वोट शेयर की बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में आगे बढ़ी है उसकी कीमत कांग्रेस ने चुकाई। लोकसभा चुनाव में दिल्ली का हाल देखने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में आप गठबंधन नहीं करेंगे बॉस। यानी दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन ऐसा क्यों है वो भी सुनिए। दिल्ली में साथ लड़े लेकिन नुकसान कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस का वोट शेयर 2019 की तुलना में 3% घट गया, जबकि आम आदमी पार्टी का 6% बढ़ गया। कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी, जो आम आदमी पार्टी हार गई, जबकि कांग्रेस 9 में से 5 सीट जीत गई। यानी हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन का कोई फायदा कांग्रेस को नहीं हुआ। दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस अकेले लड़ी और आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बाद भी 13 में से 7 सीट कांग्रेस जीती और सांसदों की संख्या के हिसाब से पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यानी साफ है कि जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी वहां उसको नुकसान हुआ, जहां अकेले लड़ी वहां फायदा हुआ। और यही वजह है कि दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से पल्ला झाड़ लिया कि हटो, दूर रहो, सटो मत। हरियाणा में तो इसी साल चुनाव है और इसके बाद दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव है। ऐसे में दोनों जगहों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग ही लड़ेगी। लेकिन अभी हाल में संसद के अंदर राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव को लेकर जो बात कही थी, उससे यह सवाल उठे कि क्या गुजरात के लिए कांग्रेस का कोई गठबंधन हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा में बीजेपी को कहा था कि उसे गुजरात में इंडी गठबंधन हराएगा। राहुल गांधी को क्या कहा था उन्होंने, सुनिए एक बार। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। वैसे राहुल गांधी जहां जहां का लिख के लेने बोलते हैं वहां वहां बीजेपी जीत जाती है, तो बीजेपी को लिखा हुआ ले ही लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था लिख के ले लो नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बनेंगे, बन गए। गुजरात का चुनाव 2027 में होना और इसमें अभी 3 साल है, 3 साल में पिक्चर बहुत बदल सकती है। दिल्ली और हरियाणा में तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से गठबंधन का नुकसान ही हुआ और इसलिए इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया। लेकिन गुजरात को लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले, इसकी वजह क्या है वो भी सुनिए। 2022 में गुजरात चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली। 2022 में बीजेपी को कुल 156 सीटें मिली थी और बीजेपी का वोट शेयर करीब 53% था, जबकि 2022 में कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली, जो 2017 के मुकाबले 60 सीट कम थी, और कांग्रेस का वोट शेयर 27% था, जो 2017 के मुकाबले 14% गिर गया। वहीं आम आदमी पार्टी को 2022 में 13% वोट शेयर के साथ 5 सीट पर जीत मिली। यानी कांग्रेस का अपने दम पर गुजरात में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का साथ लेना जरूरी लग रहा है, लेकिन वो लेके भी क्या ही कर लेंगे जब कोई 53% वोट शेयर पे बैठा है। हालांकि अब जो भी हो, राहुल गांधी इसके पहले भी कहते रहे कि गुजरात में हराएंगे, कभी हरा नहीं पाए। तो इंडी गठबंधन में क्या चल रहा है वो तो आपने देख लिया, एक दूसरे के पैर के नीचे की जमीन खींच रहे हैं। इंडी गठबंधन की तरह बीजेपी में भी अपने प्रदर्शन को लेकर समीक्षा हो रही है, लेकिन फर्क यह है कि जहां इंडी गठबंधन एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहा है, वहीं बीजेपी अपनी गलतियों को पहचान रही और उन पर काम करने के लिए तैयार है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जैसा प्रदर्शन था उसकी समीक्षा के लिए कई बैठकें हुई, रिपोर्ट तैयार की गई और उसमें जो लिखा है वो आपको बताता हूं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जो 12 वजह गिनाई गई हैं, उनमें बीजेपी नेताओं का संविधान बदलने वाला बयान और विपक्ष का आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव शामिल है। भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होने का मुद्दा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की भर्ती और आउटसोर्सिंग का मुद्दा,
बीजेपी कार्यकर्ताओं में अधिकारियों को लेकर असंतोष की भावना, अधिकारियों का बीजेपी कार्यकर्ताओं से सहयोग ना करना, अब ये बड़ी बात है। पार्टी को बड़ा कार्यकर्ता बनाता है, पार्टी को जीत कार्यकर्ता दिलाता है, लेकिन अगर सरकार बन जाए और फिर सब कुछ अधिकारी के हिसाब से चले तो कार्यकर्ता तो निराश होगा ही। बीएलओ के द्वारा बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाया जाना, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जल्दबाजी से कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हुआ, थाने और तहसीलों में काम न होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी आई, ठाकुर वोट बैंक का बीजेपी से दूर होना, कुर्मी कुशवाहा शाह के वोट का सहयोग ना मिलना, एससी वोट बैंक का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ जाना और बीएसपी उम्मीदवारों ने मुस्लिम वोट नहीं काटे, ये कुछ वजहें सूत्र कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट में निकल कर आया। तो बीजेपी को कहां नुकसान हुआ ये तो साफ दिख रहा है, सहयोगियों ने नुकसान पहुंचाया वो ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन का अलग हाल है और बीजेपी सुधार के मोड में भी है। पाठशाला में अब अगली क्लास, राहुल अखिलेश भी हैरान, सीएम योगी ने यूपी में गजब एक्शन कर दिया, अब आजम खान का कौन सा महल योगी के बुलडोजर ने गिरा डाला, इसका चैप्टर।